हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करिबा प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर फोर रो यूनिट टू। तो आज आलोचनार विषय वस्तु यूनिट टू रो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में आलोचना करिबा। तो पूर्व अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी, तो आपण मैंने चैनल टी प्ले लिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी भिडर नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमें आपण मानक निकट में पहुंची पार। तो भिडटि स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निम्ते चेषा करूँ, जदि स्किप करके देखिए बर्तमान आलोचनार विषय वस्तु सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा, प्रश्नटी हूँ सामंतवाद प्रकृति व वैशिष्ट्य आलोचना कर। तो सामंतवाद प्रकृति व वैशिष्ट्य आलोचना कर। डिस्कस द नेचर एंड फीचर्स ऑफ द फ्यूडलिज्म। अन्य एक प्रश्नटी कौन अच्छी ना सामंतवाद विकास संबंध में आलोकपात कर। थ्रो लाइट ऑन द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। तो दुईट प्रश्न एका ही अटे। तो उत्तरटी कौन अटे देखा, सामंतवादी थिला एक मध्ययुगीय सामाजिक व्यवस्था। तो सामंतवादी कौन थिला ना, सामंतवादी थिला एक मध्ययुगीय सामाजिक व्यवस्था जो थिरे अधिकार एवं कर्तव्य भूमिदान तथा प्रभु प्रति अनुगत्य एवं तांक सहित व्यक्तिगत संपर्क उपरे यहा प्रतिष्ठित थिला। तो सामंतवादी थिला एक मध्ययुगीय सामाजिक व्यवस्था जो थिरे अधिकार एवं कर्तव्य भूमिदान तथा प्रभु प्रति अनुगत्य एवं ताहांक सहित व्यक्तिगत संपर्क उपर यह कौन कर प्रतिष्ठित कराषार कहवाक गले सामंतवाद थिला सामंत समाजर अंशविशेष। तो अन्य पक्षर अन्य भाषा कहवाक गले सामंतवाद थिला सामंत समाजर अंशविशेष जो थे प्रभु प्रति तांकर अधीनस्थ व्यक्ति माने अनुगत्य प्रदर्शन करुथिले। तो सामंत समाजर अंशविशेष कौन थिला ना सामंतवाद थिला जो थे प्रभु प्रति तांकर अधीनस्थ व्यक्ति माने अनुगत्य प्रदर्शन करुथिले एवं तांको शुभेच्छा लाभपूर्वक जमी पाए निजर गुजरण मेंटाइबा सहित प्रभु बहुविध उपकार निजक नियोजित करुथिले। तो एठार कौन कहना शुभेच्छा लाभपूर्वक जमी पर निजर गुजराण मेटाइवा सहित प्रभुंर बहुविध उपकार गुड़ी से कौन करना निजक नियोजित करुले। सामंतवाद कतोटी नीति उपरे आधारित थिला। तो सामंतवाद कतोटी नीति उपरे कौन कर आधारित करुगीय वैदेशिक आक्रमण निजक रक्षा करने दुर्बल और निरीह व्यक्ति मैंने जड़े शक्तिशाली व्यक्तिर साज चाहिए। तो मध्ययुगीय वैदेशिक आक्रमण निजक रक्षा करने दुर्बल व निरीह व्यक्ति मैंने कौन कले ना जड़े शक्तिशाली व्यक्तिर साज लड़िले चाहिए। राजा शक्तिशाली नथिले कारण से प्रजा मान बही आक्रमण तथा लुंठन इत्यादि रक्षा करने सक्षम हो पार नथिले। तो से समय राजा कौन थिले ना शक्तिशाली नथिले कारण से प्रजा मान बही आक्रमण तथा लुंठन इत्यादि रक्षा करने सक्षम हो पार नथिले। सेमानंकर शक्तिहीनता दुर्बलता सुजोग नहीं योद्धा एवं वीर माने निजर अस्त्रशस्त्र तथा सैन्य वृद्धि करी शक्तिशाली हो पड़ते। तो सेमानंकर शक्तिहीनता तथा दुर्बलतार सुजोग नहीं अन्य योद्धा एवं वीर माने कौन कले ना निजर अस्त्रशस्त्र तथा सैन्य वृद्धि करी शक्तिशाली हो पड़े। राजा माने सेमानंकु जमीदान करी तांको प्रति सम्मान व्यक्त कले। तो राजा माने कौन कले ना सेमानंकु जमीदान करी तांको प्रति कौन कले ना सम्मान व्यक्त कले। सेमानंकर जीवन एवं धन सम्पत्ति रु रक्षा करिया पई दायी रहुथवा व्यक्ति को लॉर्ड बा सिग्नियर बोली नामित करा जाउतला। तो सेमानंकर जीवन एवं धन सम्पत्ति को रक्षा करिबा पई दायी रहुथवा व्यक्ति को कौन कहा जाउतला ना लॉर्ड बा सिग्नियर बोली कहा जाउतला बा नामित करा गला। जो व्यक्ति मैंने धन सम्पत्ति आदि समर्पण कर निजर रक्षा निमित्त शरणापन्न होमानू भासल बोली कहगला। तो जो व्यक्ति मैंने धन सम्पत्ति आदि समर्पण कर निजर रक्षा निमित्त शरणापन्न होमान कौन कहगला ना भासल कहगला भासल कहगला।
लॉर्ड से प्रजा मान भूमिदान करते तो लॉर्ड कौन करना से प्रजा मान भूमिदान कर भूमि को फिफ बा फ्यूड कहा जाऊला तो लॉर्ड जो भूमि प्रजा मान जो भूमि दान करते से भूमि को कौन कह जाऊला ना फिफ बा फ्यूड कहा जाऊला फ्यूड शब्द रु जन्मलाभ कर फ्यूडालिज्म तो यही शब्द रु जन्मलाभ कौन करना फ्यूडालिज्म बा सामंतवाद जन्मलाभ कर सामंतवाद प्रकृति नेचर ऑफ फ्यूडालिज्म सामंतवाद श्रेणीभित्तिक व्यवस्था उपर पर्यवेक्षित थिला तो सामंतवाद श्रेणीभित्तिक व्यवस्था उपर कौन थिला ना पर्यवेक्षित थिला जेउठी प्रत्येक समाज में एक स्वतंत्र स्थान दि जाऊला एथिरे राजा सामंत बेरन नाइट व कृषक निज निजर स्वतंत्र आसन आसीन थिले तो एथिरे राजा सामंत बेरन नाइट व कृषक निज निजर स्वतंत्र आसन आसीन थिले राजा तो राजा कार्य कौन थिला ना सामंतवादी सामंतवादर सर्वोच्च शिखर थिले राजा तो सामंतवादर सर्वोच्च शिखर किए थिले ना राजा थिले मध्ययुगर प्रचलित प्रथा अनुजाई राजा थिले निज निज राज्य समग्र भू संपत्तिर एकमात्र अधिकारी तो मध्ययुगर प्रचलित प्रथा अनुजाई राजा थिले निजे निजे निज निज राज्य समग्र भू संपत्तिर एकमात्र अधिकारी प्रतिपत्ति हराई नाम को मात्र राजा होते तो प्रतिपत्ति हराई से कौन थे ना नाम को मात्र राजा होते मध्य से समस्त भू संपत्ति उपर निज निजर अधिकार हर नथिले तो प्रतिपत्ति हर नामक मात्र राजा होते से कौन करते ना समस्त भू संपत्ति उपर निजर अधिकार हर नथिले राजा मैंने निज राज्य प्रतिष्ठा होता प्रभावशाली तथा क्षमता संपन्न व्यक्ति व्यक्ति हस्तर निजर भू संपत्ति खंडीए इलाका अर्पण करते तो राजा मैंने निज राज्य प्रतिष्ठित होता प्रभावशाली तथा क्षमता संपन्न व्यक्ति हस्तर निज भू संपत्ति को खंडीए इलाका अर्पण करुले से ही मान सामंत बा जमीदार नाम अभिहित कर तो से कौन कर सामंत बा जमीदार नाम अभिहित कर तो सामंत कौन बर्तमान देखा सामंत मैंने सामंत प्रथार मुख्य भूमिका ग्रहण करुले तो सामंत मैंने कौन करते ना सामंत प्रथार मुख्य भूमिका ग्रहण करुले से मैंने ड्यूक ओ अल नाम परिचित थे तो से कौन से क्यों नाम परिचित थे ना ड्यूक एवं अर्ल नाम परिचित थे सामंत प्रथार अधिश्रेणी राजा तौल को थिले सामंत तो यठार सामंत प्रथार अधिश्रेणी राजा तौल को थिले किए ना सामंत थिले सामंत निज इलाकार अखंड क्षमतार अधिकारी थिले तो सामंत निज इलाका मध्यरे से कौन थिले ना अखंड क्षमतार अधिकारी थिले निजर प्रजा मान से कर आदाय करते तो से कौन करते ना निज प्रजा मान कर आदाय करते से विचारपतिर आसन ग्रहण करते तो प्रजा मान निमंत से कौन थे ना विचारपति भाव कार्य करते सामंत प्रथा पुरुषानुक्रमिक हो जाता तो धीरे धीरे कौन है ना सामंत प्रथाटी पुरुषानुक्रमिक हो जाता ज्येष्ठ पुत्र पिता अंत नूतन सामंत रूपे अधिष्ठित होते तो ज्येष्ठ पुत्र पिता अंत नूतन सामंत रूपे अधिष्ठित होते बेरन बेरन कौन अटे ना सामंत मैंने निजर इलाकार किसी अंश को अपेक्षाकृत क्षुद्र सामंत मान बंटन कर तो सामंत मैंने निज इलाकार किसी अंश को अपेक्षाकृत क्षुद्र सामंत मान बंटन कर बेरन कहला तो सामंत मैंने निजर इलाक किसी अंश को अपेक्षाकृत क्षुद्र सामंत मान बंटन कर तो क्षुद्र सामंत मान कौन बेरन बेरन कहला अन्य पक्ष रे बेरन माने सामंत मानंकर अधीनस्थ थिले तो अन्य पक्ष रे बेरन माने सामंत मानंकर अधीन रे कार्य करथले से माने आवश्यक पड़िले सामरिक क्षेत्र रे सहाय्य जगाई देउथले तो आवश्यक क्षेत्र रे से माने सामरिक क्षेत्र रे सहाय्य जगाई देउथले नाइट
तो नाइट कौन सामंतवाद समय जनसाधारण सुरक्षा और शत्रु मुकबिला जो जो वीर तथा साहसी युवक मानकर अभ्युत्थान घटी से मानक कहुला नाइट। तो नाइट क्या कहुला ना सामंतवाद समय जनसाधारण सुरक्षा और शत्रु मुकबिला जो जो वीर तथा साहसी युवक मानक अभ्युत्थान घटी से मानक नाइट कहुला। साधारणत सामंत पुत्र संपर्क मैंने नाइट उपाधि भूषित होते साधारणत सामंत पुत्र संपर्क मैंने नाइट उपाधि कौन होते ना घोषित होते। नाइट अभिषिक्त व्यक्ति निजर सामरिक कौशल वीरत्व और साहस सहित दुर्बल रयत मानक अन्याय अत्याचार आक्रमण रक्षा करते। तो नाइट अभिषिक्त व्यक्ति निजर सामरिक कौशल वीरत्व और साहसर सहित दुर्बल रयत मानक अन्याय अत्याचार आक्रमण रक्षा करुले। सामंत समाज तेणु नाइट मैंने निजर विरचित कार्य सिविलरी अधिक प्रसिद्ध। तो सिविलरी से माने कौन थे ना नाइट मैंने अधिक प्रसिद्ध थे। कृषक तो कृषक कार्य कौन थी सामंत कालीन समाज सर्वनिम्न श्रेणी थे कृषक मैंने। तो सामंत कालीन समाज सर्वनिम्न श्रेणी क्यों मैंने थे ना कृषक मैंने से मानकर संख्या समाज सर्वाधिक सर्वाधिक। तो कृषक मानकर संख्या सामंत कालीन समाज कौन थी ना सर्वाधिक सामंत प्रभुं अधीनस्थ थे। तो से सामंत राजा मानक अधीनस्थ में कार्य करते सामंत से मानकर सुरक्षा भार ग्रहण करते। तो सामंत से मानकर सुरक्षा भार ग्रहण करते। अपरपक्षे यही कृषक गोष्ठी कृषि कार्य करने संगे संगे सामंत मानक आवश्यक पड़े युद्ध समय साहय कर। तो सामंत से मानकर सुरक्षा भार ग्रहण करते। अपरपक्ष कृषक गोष्ठी मैंने कौन करते ना कृषि कार्य करने संगे संगे सामंत मानक आवश्यक पड़े युद्ध क्षेत्र में साहय कर। प्रतिबदल सामंत प्रत्येक कृषक को खंडिये खंडिये जमी देते। तो यह प्रतिबदल सामंत प्रत्येक कृषक को खंडिये लेखाए जमी प्रदान करते। से माने ग्रहण कर भूखंडिक फ्यूड बा फिफी नाम कथित होुडालीजम सामंतवाद शब्दी उद्भव हो। तो फ्यूडालिज्म बा सामंतवाद शब्दी उद्भव क्यों समय होना से माने ग्रहण कर भूमिखंडिक फ्यूड बा फिफी नाम कथित हेतु क्यों मानकर ना कृषक मैंने जो भूमिखंड को ग्रहण करते फ्यूड बा फिफी नाम परिचित करा। तो फ्यूडालिज्म बा सामंतवाद शब्दी उद्भव होता। यही कृषक गोष्ठी तीन श्रेणी में थे यथा स्वाधीन कृषक भिलेइन व कृषि दास। तो यही कृषक गोष्ठी को तीनोटी श्रेणी में विभक्त करा जाय थिला। तो से गुड़ी को हला स्वाधीन कृषक भिलेइन एवं कृषि दास मनोर व दुर्ग मेनोर व दुर्ग कौन अटे ना मेनोरा मेनोर बा जमीदारी सामंत प्रथार थिला अन्य एक व्यवस्था। तो मेनोर बा जमीदारी सामंत प्रथा थिला अन्य एक व्यवस्था। सामंतर विस्तीर्ण इलाका को मेनोर कहुला। तो मेनोर क्या कहुला ना सामंतर विस्तीर्ण इलाका को मेनोर कहुला। सामंत यही मेनोर मध्य भाग एक दुर्ग व कैस्टल निर्माण करुले। तो सामंत यही मेनोर मध्य भाग एक दुर्ग व कस्टल निर्माण करी ता मध्यरे रहुथिले। दुर्ग चारिपाखरे थिला उच्च पाचेरी व पाचेरीर विभिन्न कोणरे रहुथिला अतुच्छ गम्बुज मान। तो यही दुर्ग चारिपाखरे रहुथिला उच्च पाचेरी एवं पाचेरीर विभिन्न कोण रहुथिला विभिन्न कोणरे रहुथिला अतुच्छ गम्बुज मान। यही गम्बुज मध्यरु शत्रु मानकर गतिविधि लक्ष्य करी सेही अनुसारे कार्यपंथा निर्धारण करुथिले सामंत माने। तो सामंत मैंने कार्यगुड़िक किभली भाव निर्धारण करुले ना यही गम्बुज मध्य शत्रु मानक गतिविधि कौन करा ना लक्ष्य करा जाता। तो से ही गतिविधि को लक्ष्य करी सामंत मैंने कौन करुले ना कार्यपंथा निर्धारण करुले।